हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ख़ास चूड़ियों की डिज़ाइंस। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ता है जब कोई त्यौहार पड़ता है, तो जल्दी से ऐसा लगता है मार्केट जाएं और चूड़ियाँ लेकर आएं। तो हर वक्त नई चूड़ी नहीं ख़रीदनी चाहिए, ना ख़रीद सकते हैं जैसे, तो परेशानी हो जाती है कि एकदम अचानक से मार्केट कैसे जाएँ। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ ही चूड़ियों से आप काफ़ी सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैंने पुराना डिज़ाइन पहना है। तो ये देखिए मेरे पास कुछ सेट हैं, मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम लोग कोई त्यौहार पड़ता है और हम लोगों को जो वो पड़ता है करवा चौथ, उस पर बहुत ही ज़्यादा चूड़ियों की डिमांड रहती है और चूड़ियों के लिए हमें बहुत ही मार्केट के चक्कर लगाने पड़ते हैं उसकी डिज़ाइंस के लिए। तो देखिए मैं बताऊंगी आपको कैसे आप आसानी से घर पर भी डिज़ाइनें बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये दो डिज़ाइन बनाई है, इससे मैं और भी सारी डिज़ाइन बना सकती हूँ। देखिए मेरे पास और भी चूड़ियाँ हैं, देखिए मैं इन सबको मिलाकर काफ़ी सारी डिज़ाइन बना सकती हूँ। आप भी अपने जो चूड़ियाँ हैं उनकी डिज़ाइनें बना सकते हैं। देखिए मेरे पास ये चूड़ी है और ये वाइट है, तो मैं इसको कैसे पहन सकती हूँ, ऐसे भी पहन सकती हूँ और मैं इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ। ये देखिए ये मैंने दो हाथ की बना ली हैं और वैसे मैं इसको एक हाथ में भी पहन सकती हूँ, ऐसे भी पहन सकती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे एक हाथ में पहन सकती हूँ। इसमें मैं और भी चूड़ियाँ ऐड कर सकती हूँ, इसको भी मैं ऐसे लगा सकती हूँ इसमें। ये देखिए ये मैंने एक सेट बना लिया एक हाथ का, मैं चाहूँ तो इसको दो हाथ का भी बना सकती हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छा लग रहा है ना मेरा कलेक्शन, आप इसको खुद यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाकर आपको ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो ये तो पहले पहन ली है अब नहीं पहन पाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। आप इसमें कुछ चूड़ियाँ ऐड कीजिए और देखिए आपकी डिज़ाइंस एकदम बदल जाएंगी। इसको आप आगे पीछे लगा लें तो ये देखिए पूरे एक हाथ का चूड़ा बन जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये मल्टी कलर है, इसमें आप किसी भी चीज़ साड़ी के सूट के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, इसको पहन सकते हैं। इसमें आप चाहें तो और भी चूड़ियाँ ऐड कर सकती हैं। ये मेरे पास इसमें लाल सेट पड़ा है तो मैं इसमें लाल सेट भी ऐड कर सकती हूँ। तो ये देखिए मैं इसको लाल के साथ भी बना सकती हूँ, इसमें से मैं कुछ चूड़ियाँ निकाल भी सकती हूँ और उसमें ऐड भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं लाल के साथ दूसरा बनाऊँगी। ये देखिए मेरे पास है ये जो नग वाली चूड़ियाँ हैं, मैं इसको लाल के साथ ऐड करती हूँ। देखिए ऐसे मैंने ये चार कड़े ले लिए हैं, चार नग की चूड़ियाँ, इसको मैं ऐसे ऐसे ऐड कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये एकदम अलग लुक आता है, इससे आपको अच्छा लगेगा। आप चाहें इसको ऐसे पहन सकते हैं, ये देखिए कड़े हटाकर, चाहें तो इसमें कड़े लगाकर एक हाथ में पहन सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको दो हाथ में भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे जो डिज़ाइंस हैं ये आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये देखिए मैं इसको ब्लू कलर के साथ मैच करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको इसमें तीन तीन चूड़ियाँ लेकर मैं इसके साथ मैचिंग कर देती हूँ। ये देखिए अब मैं इसको चाहूँ तो और भी जो इसमें कड़े लगाकर इसको मैं बना सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको ये मेरी डिज़ाइंस कैसी लगी, इसको बनाइए और अपने अपनी चूड़ियों को आप खुद बार बार यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके पास इतने सारी चूड़ियाँ हैं उसको आप एक बार तो पहनकर बेकार नहीं कर सकती, इसलिए उनको अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग डिज़ाइन बनाकर उसको अपने सूट के साथ साड़ी के साथ
लगाइए और अपने आप को खुश रखिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए, जिससे मैं अपने वीडियो में कुछ और चेंजेस लाऊं और बदलाव करूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू।